अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, वेलकम टू गल्फ लाइफ हिंदी यूट्यूब चैनल। आज 29 अप्रैल और जुमेरात का दिन है। सऊदी अरब की कोविड-19 की रिपोर्ट, और फिर से देखिए आज यहाँ पर बेहतर रिपोर्ट हमें देखने को मिल रही है। 1026 नए केस, 1055 नई रिकवरी। भले ही थोड़ी रिकवरी बड़ी हो नए केस के मुकाबले, लेकिन इतना तो है कि कम से कम नए केस से ज़्यादा रिकवरी है। एक्टिव केस बढ़ने की बजाय उल्टा घटेंगे, चाहे उनकी तादाद कम ही क्यों ना हो। 11 मरने वालों की तादाद यहाँ भी एक अच्छी बात है। 13 मरने वालों की नई तादाद बीते दिन थी, आज 11 है, बहुत ही अच्छी बात। बीते दिन 867 नई रिकवरी थी, आज 1055 है, ये भी बहुत अच्छी बात है। 1062 से केस हो गए हैं 1026, यानी तीनों ही हिसाब से आज की रिपोर्ट माशाल्लाह से बहुत बेहतर है। नए केस घटे हैं, रिकवरी बढ़ी है, मरने वालों की तादाद घटी है। यानी कल को अगर छोड़ दे तो लगातार कई दिनों से अच्छी रिपोर्ट हमें देखने को मिल रही है माशाल्लाह से। तो आई होप किसी तरह की रिपोर्ट्स आती रहे। तो एक्टिव केस पर क्या फर्क पड़ा है, आज की रिपोर्ट आने के बाद घटे या बढ़े हैं, उस पर एक नजर डालते हैं। 29 अप्रैल की रिपोर्ट के मुताबिक एक्टिव केस है 9852, बीते दिन तक एक्टिव केस थे 9892, यानी 9892 से एक्टिव केस घटकर 9852 हो चुके हैं। सीधे सीधे कहें तो 40 एक्टिव केस जो है वो घट चुके हैं, जो कि बहुत ही अच्छी बात है। तो 1026 नए मामले रिकॉर्ड पर आने के बाद नए कुल केस सऊदी में कोविड-19 के 416,307 हो जाते हैं। 1055 नए रिकवरी रिकॉर्ड पर आने के बाद कुल रिकवरी 399,509 हो जाती है, जबकि 11 नई मौत होने के बाद कुल मौत 6,946 हो जाती है। तो जैसे कि एक्टिव केस 9852 है, इनमें से 1312 क्रिटिकल केस है, जो कि हालत नाजुक की वजह से आईसीयू में है। दुनिया स्तर से अगर देखें तो 15,02,95,114 कुल मामले हैं, 12,78,40,252 कुल रिकवरी, 31,65,968 कुल मौत दुनिया भर में कोविड-19 से हो चुकी है। तो सऊदी अरब में 1026 नए मामले किन किन रीजन से आए हैं देखते हैं। रियाज रीजन 441 नए केस, मक्का मुकर्रमा रीजन 233, ईस्टर्न रीजन 133, असीर रीजन 49, मदीना मुनव्वर रीजन 33, जाजान रीजन 33, कसीम रीजन 21, हाइल रीजन 21, तबुक रीजन 18, नॉर्दर्न बॉर्डर रीजन 16, नजरान रीजन 10, अलबाहा रीजन 10, अलजोफ रीजन से 8 नए मामले हैं। तो दोस्तों, इस तरह से सऊदी अरब की कोविड-19 की आज की रिपोर्ट, जो कि काफ़ी बेहतर है। आई होप इसी तरह की रिपोर्ट्स आती रहे। अल्हम्दुलिल्लाह, कल के लिए एक बेहतर रिपोर्ट की उम्मीद करते हैं। आप वीडियो पर अंत तक बने रहे, बहुत बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़। तो दोस्तों, ये तो हुई सऊदी अरब की बात। अगर आप इंडिया की आज की कोरोना की रिपोर्ट देखना चाहते हैं, तो ये मोबाइल की स्क्रीन पर आपके एक वीडियो का आइकन बीच में बनकर आ रहा है, इस पर क्लिक कीजिए। आप सीधे हमारे दूसरे चैनल पर चले जाएंगे और इंडिया की आज की कोरोना की रिपोर्ट देख सकते हैं। उस चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन दबा देना, ताकि रोज़ाना जो वीडियो अपलोड हो आप तक पहुँचती रहे।